दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि राशन कार्ड कैसे भरें कि वो निरस्ता ना किया जाए। तो अगर आप राशन कार्ड भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आप अपना जिला चूज कर लेंगे और यहाँ पे नगरिया। उसके बाद ये फॉर्म खुल जाएगा, आप इसे भर लेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल देना है, उसके बाद सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ लेंगे। जिनका आधार बन चुका है सिर्फ उन्हीं लोगों का यहाँ पे नाम जुड़ सकता है, क्योंकि आधार नंबर से ही नाम जोड़ा जाता है। और आपके परिवार में जिन लोगों का आधार बन गया है उनका राशन कार्ड में नाम जोड़ा जा सकता है। आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं उन सभी लोगों का यहाँ पे नाम आप जोड़ सकते हैं। यहाँ आप अपने पूरे सदस्यों का नाम जोड़ने के बाद सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे और एक नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने परिवार के सदस्यों का बैंक पासबुक को जोड़ लेना है और सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपने मुखिया के फोटो अपलोड करेंगे और बैंक पासबुक अपलोड करेंगे और आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछ रहा है, उसे एक्सेप्ट करके सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने आपका फॉर्म नंबर मिल जाएगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आधार डुप्लीकेसी चेक में आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। इसको दर्ज करते ही आपसे बता देगा कि आपका फॉर्म प्रिंट करने के लिए 24 घंटा बाद रेडी हो जाएगा।